हेलो बच्चों, मैं जीतू तनवर एट विनिंग एज स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है, एक नोटिफिकेशन आई थी DU की वेबसाइट पे कि आपका एग्ज़ाम अब OBE होगा। OBE स्टैंड्स फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो कई सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर OBE होता क्या है, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, हम कैसे इस पे काम करेंगे, कैसे अपलोड करेंगे, किस तरह हमें से एग्ज़ाम लिया जाएगा, कितना टाइम होगा। तो मैंने इन सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने के लिए ऑथेंटिक सोर्सेस को इकट्ठा किया और वहाँ से आपके लिए एक वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी और आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों का फर्स्ट डाउट था वो था OBE होता क्या है। OBE स्टैंड्स फॉर, OBE का मीनिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो ये आपका हर साल की तरह एग्जाम नहीं होने वाला, आपको पता ही होगा इस साल कोरोना वायरस की वजह से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तो डायरेक्ट प्रमोट कर दिए गए हैं, कुछ उनके मार्क्स के हिसाब से, और कुछ असाइनमेंट वगैरह सबमिट होंगे उसके बेसिस पे उनको मार्क्स मिलेंगे और उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, तो फेल होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, लेकिन जो फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में, उनका क्या होगा, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट होगा OBE द्वारा, ओपन बुक एग्जामिनेशन द्वारा। ठीक है, अब देखो OBE से क्या होता है, आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर पाओगे। अब लेकिन बच्चों को डाउट है, सर अगर कोई गांव में रहता है, ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, या कोई दूर दराज गाँव में से बच्चा कोई आता है पढ़ने के लिए, वो कैसे एग्जाम देगा। या कुछ फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर कहीं पर इंटरनेट है कहीं पर नहीं है, तो बच्चा कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। तो उसके लिए DU वालों ने प्रोवाइड किया है और भी जगह सेंटर बना रहे हैं, CSE, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर, अब देखो ये किस लिए बनाए गए हैं। मान लो मैं किसी गांव में रहता हूँ, वहाँ पर पता ही नहीं है इंटरनेट क्या होता है, लेकिन हाँ मैं एक स्टूडेंट हूँ DU का, तो DU अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है और बच्चों को अच्छे से समझा रहा है कि कैसे आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, DU वाले एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, एक ना सर्विस सेंटर टाइप एक कैफ़े होता है उस टाइप का बनाकर दे रहे हैं। अब उससे क्या होगा, आपको एक बेंच दी जाएगी, वहाँ इंटरनेट होगा, लैपटॉप हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, तो उससे आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो DU वाले की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरी कोशिश है कि किसी बच्चे का एग्जाम मिस ना हो। ठीक है, अब देखो क्या है, आपका सुनने में आएगा आपको कि आपके एग्जाम 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, थर्ड ईयर के, बीकॉम फाइनल ईयर के या बीए फाइनल ईयर जो भी है, 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और 11 जुलाई तक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ बच्चों को आइडिया नहीं कि एग्जाम कैसा आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है इतिहास में, हमारी हिस्ट्री में, इंडिया के DU वालों में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब बच्चों को समझाने के लिए DU वाले क्या कर रहे हैं, वो जब आपका एग्जाम होगा उससे 1 हफ्ता पहले, 1 वीक बिफोर, क्या करेंगे, वो एक मॉक टेस्ट लेंगे आपका, एक पोर्टल तैयार करेंगे जिसमें मॉक टेस्ट होगा आपका, ताकि बच्चों को पहले ही चल जाए पता कि हम किस तरह का एग्जाम फेस करने वाले हैं 1 जुलाई से। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 1 जुलाई को एग्जाम होना है, तो 24-25 तारीख को एक DU वाले पोर्टल इशू करेंगे, पोर्टल बनाएंगे अपना, एक पोर्टल पे वो आपको एक मॉक टेस्ट देंगे सब बच्चों के लिए, जो आपके फ़ोन, लैपटॉप, आपकी ईमेल, आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएंगे कि ये आपका लॉगिन आईडी है, ये आपका पासवर्ड है, लॉगिन और पासवर्ड डाल के आप उसको खोलोगे तो एक मॉक टेस्ट ओपन होगा जहाँ पर एज ए प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आने वाले टाइम में, आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, आपको ये फेस करना ना पड़े कि सर मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे आया नहीं था, मुझे समझ नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है, इस टाइप से। ठीक है, थर्ड, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास तो लैपटॉप नहीं, हम कहाँ से एग्जाम देंगे। तो भाई DU वालों ने इसके लिए भी काम किया है, DU वालों ने, जरूरी नहीं है कि आप लैपटॉप पे एग्जाम दो, आप फोन पे भी दे सकते हो, आप फोन से भी चीज़ अपलोड कर सकते हो, जिसपे लैपटॉप है वो तो वेल एंड गुड है, जिसमें नहीं है उसको भी तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि एग्जाम देने के लिए लैपटॉप खरीद के ला रहे हैं वो, अगर है तो किसी का ले लो, नहीं है तो कोई नहीं फोन से दे दो आप, कोई जरूरी नहीं लैपटॉप पे आपको एग्जाम होगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है वेबसाइट।
अब देखो, जैसा कि आप देखते हो किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है तो कितने हजारों लाखों बच्चे उसको लॉगिन करते हैं, उसको ओपन करते हैं, सर्वर पर जाते हैं, उस वेबसाइट को खोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि क्रैश हो जाता है सर्वर। सुना होगा आपने, सर्वर क्रैश हो गया या हैंग हो गया या टाइम लग रहा है, ठीक है। तो DU ऐसी परेशानी फेस ना करे, इसलिए DU वालों ने क्या किया है, वो अपने सर्वर को एक तो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जो DU का सर्वर है उनको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, हो सकता है कोई दूसरी वेबसाइट भी दे आपको वो, और आपको घबराने की बात नहीं है, जो भी कुछ चेंजेस होगा, जो भी कुछ अमेंडमेंट आएगी, कुछ बदलेंगे, आपके फ़ोन पे मैसेज जरूर आएगा, आपको ईमेल जरूर मिलेगी, ठीक है, कि ये वेबसाइट है, ये आपका लॉगिन आईडी है, ये आपका पासवर्ड है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है। अब हाँ, जैसे उन्होंने वेबसाइट दे दी आपको कि इस वेबसाइट पे जाके आप अपना एग्ज़ाम ले सकते हो, अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आपको करना क्या है, अब देखो क्या होगा, आप जब वेबसाइट ओपन करोगे ना तो वहाँ पे ऑप्शन आएंगे कि ये डिफरेंट कोर्सेस है, तो जो आपका कोर्स है उसको आप सेलेक्ट करोगे। जैसे आपका कोर्स है बीकॉम फाइनल ईयर फॉर एग्जांपल, तो आपने बीकॉम फाइनल ईयर सेलेक्ट करा, अपना कोर्स कोड चुन लिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहाँ क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा, एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर के अंदर जैसा कि सोर्सेस से चलाया पता मुझे, 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। अब सर टाइम कितना मिलेगा कुछ 4 करने के लिए हमें? बिल्कुल यार, 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, रिटर्न एग्जाम के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर सर अपलोड कैसे करेंगे? अरे भाई, अपलोड करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए आपको 1 घंटा अलग से मिलेगा, 2 घंटे आपको एग्ज़ाम करने के लिए और 1 घंटा आपको अपलोड करने के लिए। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप टेंशन मत लो, आपको प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है। अच्छा, तो सर जो बच्चे हैंडीकैप है, जो विजुअली इफेक्टेड है, तो उनको क्या होगा, उनका टाइम भी क्या सेम होगा? नहीं, उनके लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जैसे आपको 2 घंटे रिटर्न के दिए गए हैं, ठीक है, और 1 घंटा आपको अपलोडिंग डाउनलोडिंग का दिया गया है, उनको 2 घंटे रिटर्न के, 1 घंटा अपलोडिंग डाउनलोडिंग प्लस 2 आवर्स एक्स्ट्रा, भाई उनको थोड़ा बेनिफिट दिया जाएगा। तो वो बच्चे घबराए ना, जिनको कोई प्रॉब्लम है उनको 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे, अच्छे से अटेम्प्ट करना अपना पेपर, ठीक, डरना नहीं है। क्वेश्चंस मैंने बताया आपको, 6 क्वेश्चंस आएंगे, 4 करना कंपलसरी होगा, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ओपन बुक एग्जाम्स है, हम जो पेपर करने बैठेंगे तो सामने बुक होगी, उसमें सीधा टेप देंगे हम, बिल्कुल डिट्टो लिख देंगे, डिट्टो कॉपी कर देंगे। अरे भाई, सुना है आपने, अकल के लिए भी, सॉरी, नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, तो बेवकूफ़ वाले काम मत करना। DU वाले बड़े समझदार हैं, चालाक हैं, वो आपका कैंसिल कर देंगे, आपको फेल कर देंगे। अच्छा, तो सर फिर पास कैसे होंगे? भाई सुनो, आपको क्या करना है, एक तो जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ या आपके कोई भी सोर्स है उनको देखो, क्वेश्चंस को समझो और उसको अपनी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं है कि नीचे बुक रख के बैठ गए और सीधा उतारना शुरू कर दिया, नहीं, क्वेश्चन को आपको समझना है और उसको अपनी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है। अगर जहाँ भी DU वालों को लगा कि आपने बिल्कुल कहीं से कॉपी पेस्ट मार रखा है, चाहे वो बुक्स हो, टेन ईयर हो, चैंपियन हो, या कोई भी सोर्स हो, जहाँ से आपने बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो आपको मार्क्स कट जाएंगे, आपको वहाँ मार्क्स मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, इवेल्यूशन नहीं किया जाएगा आपके एग्जाम, आपके मार्कशीट का। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप डिट्टो कॉपी ना करें, समझें और अपने हिसाब से लिखिए। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 4 पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स तो आप बदल नहीं सकते ना, तो हेडिंग उसकी आप सेम लिख सकते हो। हाँ, जो अंदर का मटेरियल है वो तो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, अगर आप वो भी सेम लिखते हो, वो भी कॉपी पेस्ट मारते हो, तो आपके मार्क्स कटेंगे पक्का। इसलिए बच्चों खुश भी मत हो कि ये तो हमें पढ़ना ही नहीं है, हम तो ऐसे ही कर देंगे, बस कॉपी लेके टेप देंगे पूरा, नहीं, ये गलती मत करना वरना फेल हो जाओगे, ठीक है, कितना बुरा हो जाएगा। 2020 तो एक तो वैसे ही इतना अजीब गुजर रहा है साल, कभी दंगे, कभी महामारी, कभी भूकंप,
और आप फेल हो जाओगे उसके अंदर तो और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो ये गलती मत करना, अच्छे से ईमानदार होके अटेम्प्ट करना है आपको, पढ़ना है साथ में, भगवान भरोसे नहीं रहना, अपना काम खुद करना है हमें, ठीक है? अच्छा तो सर हमने 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखो आपको क्या करना है, कुछ स्कैनर आते हैं, ऐप्स आती है, फोन हो चाहे लैपटॉप है, ऐप्स आती है कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल कैम स्कैनर, एडोब स्कैनर, या कोई सी भी ऐप जो स्कैन करने के काम आती है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए बढ़िया है उसे आप यूज़ करो, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कैम स्कैनर यूज़ करा, तो मैंने जो आंसर्स दिए हैं उनकी फोटो क्लिक करी, वो फोटो क्लिक करने पे कैम स्कैनर में क्या होगा, पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप ही। जब वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया तो हमें क्या करना है, जो वेबसाइट हमें दी गई थी कि इस पर आपको अपने आंसर्स अपलोड करने हैं, ए4 साइज उस पर क्या करेंगे, अपने आंसर्स अपलोड कर देंगे। अभी आंसर्स लिखे हैं कहाँ पे, ये आंसर लिखना है आपको ए4 साइज की शीट पर। आपको पता ही है कि ए4 साइज शीट बहुत कॉमन है, ये किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। हाँ बट शॉप वाले को बोलना कि भैया ए4 साइज की लाइनिंग वाली शीट दो, ताकि मेरे को लिखने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा आपको ए4 साइज की शीट मिल गई लाइनिंग वाली, तो क्या करेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे रोल नंबर, नाम, और जो भी आपको बोला गया लिखने के लिए, जो भी डायरेक्शंस दी गई है वो सब लिखेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आपने स्टार्ट करा, आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अब अपलोड कर रहे हो आप। अब देखो कुछ बच्चों को हो सकता है अपलोड करने में दिक्कत आए कि सर ये अपलोड ही नहीं हो रही, सर अपलोड करना नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो? DU वाले आपको अलग से एक ईमेल आईडी भी देंगे, उस ईमेल आईडी पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने आंसर्स, जो अपनी शीट्स ए4 साइज शीट्स जो आपने आंसर दिए हैं चारों, उसको मेल भी कर सकते हो। जो आपको ईमेल एड्रेस प्रोवाइड की जाएगी उस पर मेल भी कर सकते हो, या फिर जो आप अपलोड भी कर सकते हो, जो आपको ऑप्शन अच्छा लगे वो करो, ठीक है? अच्छा बच्चों के मन में फिर एक डाउट और था कि सर रिजल्ट कब आएगा। जैसा कि मुझे पता चला है आपका रिजल्ट 31 जुलाई तक अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? सुना है जैसा कि 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट। अच्छा सर अब ये इतनी ये कोरोना बुरी तरह से फैला हुआ है, इतने सारे स्टूडेंट हैं, हजारों लाखों स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो अगर उनमें से किसी बच्चे को कोरोना हो गया, उसका एग्जाम छूट गया, तो इसमें उस बच्चे की क्या क्या गलती है? बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चे की गलती क्या है, वो तो बीमारी का शिकार हो गया, वो घर से बीमारी नहीं लाया था, कहीं से कहीं ना कहीं से बीमारी लगी उसको, या उसके साथ कोई भी इंसिडेंट हैपन होता है, या कोई भी परेशानी होती है, किसी वजह से एग्जाम नहीं दे पाया, तो उसके लिए भी DU वालों ने एक सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया है? वो बच्चा सितंबर में भी एग्जाम दे सकता है, जैसा कि मुझे पता चला है सोर्सेस से, वो बच्चा सितंबर में भी एग्जाम दे सकता है। बट ये गलती मत करना, ये उसी के लिए है जिसका कोई इमरजेंसी केस हो। अगर आप नॉर्मली फिट हो, सिर्फ आपका मूड नहीं कर रहा कि यार जुलाई में एग्जाम नहीं देते सितंबर में देंगे, मजा नहीं आ रहा जुलाई के अंदर, मन नहीं कर रहा जुलाई के अंदर एग्जाम देने का, भाई ऐसी सिचुएशन मत रहना, आगे क्या हो क्या ना हो आपको क्या पता। तो सबसे बेस्ट क्या है, जब आपका एग्जाम है जुलाई में वही एग्जाम दो, सितंबर का वेट मत करो, बात तो बाद की बात है, बाद में क्या हो क्या नहीं वो आपको नहीं पता। तो जुलाई में आपका एग्जाम होना है, जुलाई को आप एग्जाम दोगे, ठीक है? बाद का वेट नहीं करना। कॉलेज, अच्छा सर ये एग्जाम हम कॉलेज में भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो, आप कॉलेज में जाके, या कॉलेज वाले आपको हॉल टिकट प्रोवाइड करेंगे, अब आपकी मर्जी है कि आप कॉलेज में जाके एग्जाम दो, उस हॉल टिकट से आपकी एंट्री हो जाएगी, या फिर आप घर बैठे बैठे भी एग्जाम दे सकते हो, फोन से या लैपटॉप से, जैसा आपको सुटेबल लगे, जैसा फेवरेबल हो आपके लिए, ठीक है? दे सकते हो आप। देखो भाई मुझे जितना लगा कि आपको पता होना चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर कर ली है, ठीक है? अगर फिर भी आपको डाउट आता है, या कुछ प्रॉब्लम आती है, या कुछ ऐसा लगता है मैं मिस कर गया, आपको बता नहीं पाया, या मुझे आपको वो बतानी चाहिए, कुछ बात जो ऐसी रह गई जो आपको लगता है कि हाँ सर आपको बतानी चाहिए थी, आप बताना भूल गए, या आपको, या आप उसे शेयर कर दो, तो आप एक काम कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7503
9 7 6 7 2 इसे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, जीतू तनवर CA, JEETUTANWAR CA, मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि कुछ रह गया या कुछ आपके मन में डाउट है, कुछ परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी, चाहे अभी हो चाहे एग्जाम के टाइम हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ 24/7। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।